वैदिक एस्ट्रो केंद्र में दर्शकों आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज दर्शकों आपके साथ जो हम चर्चा करने के लिए मौजूद हैं, यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, वो माह अक्टूबर 2020 का जो आप 12 राशियों के जो जातक हैं, मेष राशि से लेकर और मीन राशि तक, उन सभी 12 राशियों के जातकों का राशिफल की चर्चा की जाएगी। लेकिन उससे पहले आपको आइए जल्दी से बता देते हैं कि इस अक्टूबर माह में 2020 अक्टूबर में ग्रहों की स्थिति किस प्रकार रहने वाली है और उस ग्रह स्थिति के अनुसार ही जो आपका ये राशिफल तैयार किया गया है, ये उन ग्रहों की स्थिति के अनुसार ही किया गया है। तो आइए जल्दी से जान लेते हैं कि ग्रहों की स्थिति इस माह क्या कैसी है और कौन सा ग्रह कहां पर किस राशि में किस स्थिति में रहेगा। सर्वप्रथम सूर्य ग्रह जो 16 सितंबर से कन्या राशि में संचार करते आ रहे हैं, लेकिन 17 अक्टूबर 2020 को ये करेंगे अपना राशि का परिवर्तन और कन्या राशि से निकल करके ये अपनी नीच की राशि एवं शत्रु राशि तुला में करेंगे प्रवेश। पूर्ण रूप से नीच के हो जाएंगे तुला राशि में। मंगल जो कि वर्तमान में अपनी स्वयं की राशि मेष में वक्री अवस्था में संचार कर रहे हैं, यानी कि उल्टी चाल चल रहे हैं, ये 4 अक्टूबर को वापस अपनी मित्र राशि मीन में प्रवेश करेंगे और फिर पूरे माह करेंगे इसी राशि में संचार। हमसे मित्रों बहुत लोगों ने ये पूछा, बहुतों के प्रश्न आ जाते हैं जब ये बात चली है कि मंगल वक्री स्थिति में रहेंगे और वो मीन राशि में प्रवेश करेंगे अपनी राशि से निकल करके 4 अक्टूबर को। तो हमें बहुत प्रश्न आए थे, फ़ोन कॉल्स आई थी, वो पूछ रहे थे कि साहब आप कहते हैं कि वक्री आप बताते हैं उल्टा, तो उल्टे में तो स्लो चाल हो जाती है। मैंने कहा बिल्कुल हो जाती है। तो बोले ये स्लो ही तो होती है, दूसरी राशि में तो नहीं है, दूसरी राशि में भी पीछे जब ये चलेंगे तो अपनी पिछली राशि में भी ग्रह प्रवेश करते हैं, जैसा कि अभी आपको मैंने बता दिया। ये आपके सामने एक तरीके से उसका प्रूफ है कि मंगल जो कि वर्तमान में अपनी स्वयं की राशि मेष में वक्री अवस्था में संचार उनका हो रहा है, उल्टी चाल चल रहे हैं और यहां से क्योंकि ये उल्टी चाल है इनकी, तो 4 अक्टूबर को ये वापस अपनी मित्र राशि मीन में पीछे जाएंगे, अपनी मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे और फिर पूरे अक्टूबर के महीने में उसी राशि में ये संचार करेंगे। बुध ग्रह जो कि वर्तमान में अपनी मित्र राशि तुला में संचार कर रहे हैं, लेकिन 14 अक्टूबर को ये होंगे वक्री तथा 17 अक्टूबर से इनकी युति अपने मित्र ग्रह सूर्य के साथ बनेगी, जो पूरे माह इसी प्रकार बनी रहेगी। गुरु बृहस्पति वर्तमान में अपनी स्वयं की राशि धनु में मार्गी एवं उदय अवस्था में संचार कर रहे हैं, जो कि पूरे माह इसी प्रकार संचार करते रहेंगे। शनि भी वर्तमान में अपनी स्वयं की राशि मकर में मार्गी एवं उदय अवस्था में संचार कर रहे हैं और पूरे माह इसी प्रकार इनका संचार इसी राशि में होता रहने वाला है। शुक्र जो कि वर्तमान में अपनी शत्रु राशि सिंह में मार्गी एवं उदय अवस्था में संचार कर रहे हैं, लेकिन 23 अक्टूबर 2020 को ये राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं तथा सिंह राशि से निकलेंगे और अपनी मित्र एवं नीच राशि कन्या में प्रवेश करेंगे तथा माह के अंत तक फिर ये इसी राशि में ही संचार करते रहेंगे। राहु अपनी मित्र राशि वृषभ में संचार कर रहे हैं और पूरे वर्ष इसी राशि में ही इनका संचार चलता रहेगा। केतु भी अपनी मित्र राशि वृश्चिक में संचार कर रहे हैं मित्रों और पूरे वर्ष ये इसी राशि में ही इसी प्रकार संचार करते रहेंगे। तो ये थी ग्रहों की गोचर स्थिति आसमान में माह अक्टूबर 2020 की, जिसके आधार पर राशिफल तैयार है। आइए अब आपसे सभी राशियों के जो जातक हैं, मेष राशि से लेकर मीन राशि तक, सभी राशियों की चर्चा आपके साथ उनके राशिफल की चर्चा करेंगे। आइए अब जानते हैं कि मेष राशि के जो जातक हैं उनका माह अक्टूबर 2020 का राशिफल क्या कहता है और सर्वप्रथम चर्चा होगी आपके व्यवसाय को लेकर के। तो आइए जानते हैं कि इस माह आपके अपने व्यवसाय के जो भाव है, घर है, व्यवसाय का जो घर होता है कुंडली में, उसमें बहुत ही सुंदर राजयोग शनि के द्वारा बनाया हुआ है, बन रहा है तथा शनि देव की कृपा आपके ऊपर अभी लंबे समय तक इसी प्रकार बनी रहेगी तथा माह के मध्य तक सूर्य के द्वारा भी राजयोग का निर्माण हो रहा है आपके, मतलब मेष राशि के जो जातक हैं उनका। तो आपको बताना चाहते हैं कि जो समस्याएं आपके कार्य क्षेत्र
यानी कि चाहे वो आप रोजगार से जुड़े हैं, चाहे व्यापार में जुड़े हैं, कहीं से भी हैं आप, किसी भी क्षेत्र में कार्यरत हैं। काफ़ी समय से जो समस्याएं चल रही थी आपके कार्य क्षेत्र में, अब वो समय आ गया है कि जब धीरे धीरे जो भी समस्याएं हैं वे सभी समाप्त होती जाएंगी और आप अपने कार्य क्षेत्र में सभी कार्यों को बहुत ही सफलतापूर्वक पूरा कर पाएंगे तथा अपने विभाग में आपको सभी ओर से अनुकूल परिणामों की प्राप्ति होगी। विशेषकर वे लोग जो कानून, कंस्ट्रक्शन या लोहे आदि के कार्यों से जुड़े हुए हैं, उनका तो बहुत ही उनको लाभ प्राप्त होने जा रहा है तथा इस माह के मध्य तक तो आपको अपने मान सम्मान में वृद्धि आपको प्राप्त होगी, आपकी जो प्रतिष्ठा है उसमें वृद्धि रहेगी और अकस्मात पदोन्नति भी संभव है। लेकिन आप अपनी वाणी पर नियंत्रण अवश्य रखें और किसी को कुछ भी बोलने या कहने से पहले थोड़ा सोचें। अगर आप कोर्ट कचहरी से जुड़े किसी ऐसे कानूनी प्रक्रिया से गुजर रहे हैं तो महामध्य तक अगर निर्णय आता है तो यह पूर्णतया आप ही के पक्ष में होगा और आप भी यही कोशिश कीजिएगा कि यह निर्णय 17 अक्टूबर से पहले ही आ जाए तो आपके लिए बहुत ही हितकर होगा, बहुत अनुकूल होगा। उसके पश्चात समय इतना अनुकूल आपके नहीं होगा कि जो निर्णय है कोर्ट कचहरी में जो भी ऐसे कार्य हैं कि जो आपको पूरे तरीके से उसमें सकारात्मक हो, इतना नहीं होगा। तो आप कोशिश कीजिएगा 17 अक्टूबर तक ऐसे अगर आ सकते हैं, अगर आप के कोशिश करने से तो बहुत अच्छा रहने वाला है आपके लिए। वित्तीय स्थिति कैसी रहेगी? माह के उत्तरार्ध तक आपको आय के अच्छे साधन बने रहेंगे मित्रों। अकस्मात धन का लाभ भी आपको कहीं से प्राप्त हो सकता है या कोई ऐसा साधन भी बन सकता है जहां से आपको अलग से धन का लाभ हो। कुछ कार्य ऐसा करें कि कहते हैं ना कि एक दूसरा सोर्स ऑफ इनकम, तो आपके जो सुख साधन है, सुख सुविधाएं हैं, उसमें कुछ आप कमी महसूस करेंगे या उनका पूर्ण रूप से लाभ प्राप्त नहीं कर पाएंगे। प्रेम संबंध, जहां तक प्रेम संबंधों का प्रश्न है तो आपको बता दें कि ग्रहों की कुछ इस प्रकार की स्थिति इस माह बन रही है कि आपके प्रेम संबंधों को लेकर आपके अनुकूल जो परिणाम है उनकी प्राप्ति हमें दिखाई नहीं देती। विवाहित व्यक्ति जो हैं उनका जो दाम्पत्य जीवन है उसमें महामध्य तक चीजें सामान्य रूप से चलती दिखाई देंगी, लेकिन उसके पश्चात आपको रहना होगा बहुत ही सावधान क्योंकि इस समय अवधि में आपके संबंधों में कुछ तनाव पैदा होता हुआ दिखाई दे रहा है, उसकी संभावना बन रही है। पारिवारिक संबंध, आपके अपने परिवार के साथ संबंध जो है सामान्य रहेंगे, बड़े भाई बहनों एवं मित्रों का पूरा सहयोग प्राप्त करेंगे आप और पिता की ओर से भी आपको पूरा सहयोग प्राप्त होगा। शिक्षा, जो छात्र अपनी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं वे बहुत ही ध्यान से हमारी बात को सुन लें। वो यह है कि माह के मध्य तक तो आप अपनी शिक्षा संबंधित अच्छे परिणामों की प्राप्ति कर पाएंगे, मगर उसके पश्चात स्थिति एकदम उलट होती दिखाई दे रही है और इस अवधि में आपकी शिक्षा किसी ना किसी कारणवश या तो प्रभावित होगी या फिर आपकी शिक्षा संबंधित परिणाम प्रभावित होंगे या आपको शिक्षा प्राप्ति में समस्याएं पैदा होंगी या बाधाएं आएंगी वगैरह वगैरह। संतान पक्ष को लेकर के ये माह कैसा रहने वाला है आपका, तो आपको अपनी संतान के द्वारा 17 अक्टूबर तक तो अच्छे परिणामों की प्राप्ति का योग बन रहा है, मगर उसके पश्चात आपको संतान की ओर से या तो कुछ कष्ट या फिर कोई ना कोई चिंता, मन अशांत संतान को लेकर के रह सकता है। स्वास्थ्य, महामध्य तक तो आपका स्वास्थ्य सामान्य रहेगा लेकिन उसके पश्चात माह के अंत तक स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं पैदा हो सकती हैं। उपाय, कौन से ऐसे उपाय करें जिससे कि आपको बाकी जो परेशानियां हमने बताई हैं जहां जहां जिस क्षेत्र में उनसे आपको छुटकारा मिल सके। तो सर्वप्रथम तो आपने उपाय करना है कि स्नान आदि से निवृत्त होकर के प्रातःकाल प्रतिदिन सूर्य देव को जल अर्पित करना है।
और इस मंत्र का भी आपने एक माला प्रतिदिन यानी 108 बार जाप करना है। मंत्र बहुत सरल है, ओम घृणी सूर्याय नमः, यह मंत्र है। और इसके साथ साथ 108 बार इसका जाप करें और इसके बाद फिर आपने करना है आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ। ये आप नियमित रूप से करिए पूरे इस महीने। दूसरा उपाय करना है, आपने शुक्रवार के दिन गाय को पूरियों पे रख करके दो पूरी ले लें, उस पर खीर रख लें या कुछ और मीठा रख लें, लेकिन जो मीठा रखें सफ़ेद रंग का हो, गाय को अपने हाथों से खिलाएं शुक्रवार के दिन। तीसरा उपाय आपने करना है, माँ लक्ष्मी जी की पूजा आपने प्रतिदिन करनी है। बहुत सरल तीन उपाय हैं, पूरे महीने कीजिएगा, निश्चित रूप से आपको इनका लाभ प्राप्त होगा। तो ये था आप मेष राशि के जातकों का माह अक्टूबर 2020 का राशिफल। आपको पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही जो बेल आइकन है उसको अवश्य दबाएं ताकि जो भी आने वाले हमारे नए कार्यक्रमों के वीडियोस हैं वो भी आप तक आसानी से पहुंच सकें और आप उनका भी समय अनुसार लाभ प्राप्त कर सकें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।